आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ करूँगी वो है तुलसी, जिसको मैं कहूँगी क्वीन ऑफ हर्ब्स। क्वीन ऑफ हर्ब्स मैं इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहेंगे। दो तरह के होते हैं मोस्टली, राम तुलसी और कृष्णा तुलसी। राम तुलसी का जो कलर है वो ग्रीन होता है और जो कृष्णा तुलसी होती है वो थोड़ी डार्क ग्रीन होती है। तुलसी का पौधा जो है, तुलसी जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करती है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इट आल्सो हेल्प्स ब्रीदिंग एंड लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। किसी भी तरह का वायरल हो, बैक्टीरियल हो, बैक्टीरियल कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, कोल्ड हो, थकान हो, कमज़ोरी हो, सभी में तुलसी को यूज़ कर जब हम करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सभी तरह की परेशानियों में तुलसी बहुत ही यूज़फुल है। तुलसी को कंज्यूम करने का तरीका जो है वो भी बहुत आसान है। कुछ लोग इसे चाय में लेते हैं, आप इसे ग्रीन टी या नॉर्मल टी जैसे भी आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। काढ़ा जब आप बनाएं तो उसमें इसे डाल सकते हैं। इसके जूस को, तुलसी का पेस्ट बना के इसका जूस निकाल के और इसमें शहद के साथ इसे लेने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब तुलसी का प्लांट जो है वो लगाना भी बहुत आसान है। एक तो बहुत इजीली किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, कटिंग्स भी लग जाती हैं इसकी, और किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की तुलसी है, राम तुलसी और कृष्णा तुलसी। तो राम तुलसी को है जो धूप की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, 4 से 5 घंटे, और जो कृष्णा तुलसी है उसकी धूप की रिक्वायरमेंट 7 से 8 घंटे रहेगी। बाकी दोनों ही प्लांट, दोनों ही तरह की तुलसी को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। जो वेल ड्रेन्ड सॉइल वो होती है जिसमें पानी ठहरे ना, पानी आप डालें और पानी गमले के नीचे से निकल जाए। तो एक तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो सितंबर और फरवरी में आप यूज़ कर सकते हैं। और कोरोना से बचाव के लिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको तुलसी के 3 से 4 पत्ते डेली यूज़ करने चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।